भारत में ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ने के साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। देश में फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 79% का आयात किया जाता है। ऐसे में बायो सीएनजी गैस ऐसा विकल्प है जो विदेशों से पेट्रोल, डीजल के आयात को काफी हद तक कम करके भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट से तैयार की जाने वाली बायो सीएनजी सस्टेनेबल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ये भारत को फ्यूल एफिशिएंट बनाने में सहायक होगी। किचन वेस्ट हो या एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का वेजिटेबल वेस्ट हो, वहां से लेके जो भी खेत का कचरा है, इंक्लूडिंग राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, सोयाबीन ट्रैश, अपना शुगर केन का, शुगर केन हम लाते हैं लेकिन उसका ट्रैश खेत में छोड़ देते। अभी उत्तर गुजरात में जैसे कैस्टर का क्रॉप लिया जाता है और कैस्टर के डी ऑयल्ड केक्स रहते हैं, तो कैस्टर के ट्रैश भी रहता है, तो इन सब कचरे से, इन सब रिसोर्सेज से हम बायो सीएनजी बना सकते हैं। भारत में लगभग 600 मिलियन टन का एग्रीकल्चरल वेस्ट है जिसे बायो सीएनजी बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट से तैयार एग्रो गैस के उपयोग से फॉसिल फ्यूल के आयात को काफी कम किया जा सकता है। वर्तमान समय में लगभग 25 मिलियन टन सीएनजी का आयात किया जाता है। बायो सीएनजी के उपयोग से भारत के साल भर के आयात में करीब 50-55% तक कटौती हो सकती है। किफायती होने के साथ ही बायो सीएनजी नॉन डाइल्यूटिव और नॉन कंटामिनेटिंग भी होती है, इसलिए आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव सेक्टर में बायो सीएनजी के उपयोग की अधिक संभावना है। इसके अलावा इसे ब्लास्ट फर्नेस में भी उपयोग किया जा सकता है। सीएनजी वाहनों का औसत माइलेज डीजल या पेट्रोल चालित वाहनों की तुलना में बेहतर है। बायो सीएनजी से बाय प्रोडक्ट के रूप में बायो फर्टिलाइजर और ब्रिकेट पैलेट भी प्राप्त होता है। आईआईडी की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपके साथ बायो सीएनजी के व्यवसाय से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। रॉ मटेरियल्स। बायो सीएनजी गैस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट, किचन वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट आदि। प्रोसेस। बायो सीएनजी गैस तैयार करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को विक्रेताओं से खरीद कर उसमें मौजूद नमी हटाई जाती है, फिर श्रेडिंग मशीन की सहायता से इसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। श्रेडिंग के बाद बायोमास को फीड मिक्सिंग टैंक में ऐड किया जाता है और फिर एनरोबिक डाइजेस्टर में पंप किया जाता है, जिसमें बायोगैस उत्पादन करने के लिए सही माइक्रोबियल कल्चर मौजूद होता है। इसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाता है। ये तापमान बैक्टीरियल ग्रोथ में सहायक होता है, जिसकी सहायता से एक निश्चित समय अंतराल के बाद रॉ मटेरियल सीएनजी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अनुभवी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की देखरेख में किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोड्यूस रॉ बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मॉइस्चर का मिश्रण होता है। इस मिक्सचर को फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, जहां से गैस मिक्सचर को प्योरिफिकेशन के लिए बायो सीएनजी गैस प्योरिफिकेशन सिस्टम और H2S स्क्रबर्स में फीड किया जाता है। इसकी सहायता से गैस मिक्सचर से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अलग कर लिया जाता है और प्योरिफाइड मीथेन गैस को कंप्रेसर की सहायता से हाई प्रेशर पर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। इस प्रक्रिया में सभी हाइड्रोकार्बन्स को हटाकर गैस को प्योरिफाई किया जाता है। डाइजेस्टर टैंक से निकलने वाली स्लरी सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, जिसे सॉलिड लिक्विड सेपरेटर की सहायता से अलग कर लिया जाता है। लिक्विड को टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और सॉलिड रेजिड्यू का उपयोग बायोमास ब्रिकेट्स, फर्टिलाइजर आदि बनाने में किया जाता है। बायो सीएनजी उत्पादन के लिए जो मशीन्स और इक्विपमेंट चाहिए वो हैं श्रेडिंग मशीन, बेलर मशीन, मिलिंग टैंडम, मिक्सिंग टैंक, डाइजेस्टर, बायो सीएनजी गैस प्योरिफिकेशन सिस्टम, बायो सीएनजी कंप्रेसर, प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशंस, गैस रिसीवर, गैस स्टोरेज टैंक्स, सॉलिड लिक्विड सेपरेटर, प्रेशर रेगुलेटर्स, टेस्टिंग लैब सेटअप। इलेक्ट्रिसिटी मैनपावर एरिया। इस व्यवसाय में 5 टन कैपेसिटी के प्लांट के लिए लगभग 700 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन, 30 से 40 वर्कर्स और 5 से 6 एकड़ एरिया की आवश्यकता होगी। वहीं 2.5 टन कैपेसिटी के प्लांट के लिए करीब 350 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन, 25 से 30 वर्कर्स
और 2 से 3 एकड़ एरिया की आवश्यकता होगी। उपरोक्त सभी फिगर्स आपके प्रोजेक्ट के साइज, प्रकार और इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप 5 टन बायो सीएनजी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का प्लांट सेटअप करना चाहते हैं तो करीब 20 से 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं अगर आप 2.5 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं तो लगभग 11 से 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस व्यवसाय के माध्यम से आप 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्लांट बहुत ही फाइनेंशियली वायबल है। अपनी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो 3-3.5 साल में आराम से रिकवर होती है और प्लांट का लाइफ रहता है 30-40 साल का। मतलब जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसा डालेगा उसको सालों साल फायदा ही फायदा है। बायो सीएनजी गैस के व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो लाइसेंसेस चाहिए वो हैं जीएसटी, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, एनओसी फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनओसी फ्रॉम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं और इसके लिए आईआईडी की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से जुड़िए हमारे साथ और अपनी व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित करिए। यहाँ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की भी पूरी जानकारी मिलेगी। आप वीकली वेबिनार के माध्यम से हमसे जुड़कर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कंप्लीट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के लिए आज ही विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और हाँ, हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए।